वैसे तो हर एक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना का विधान है, परंतु माघ मास भगवान विष्णु का अति प्रिय होने से इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन बागे देवी यानी सरस्वती के स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती भी है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान दक्षिणा का 32 गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन और व्रत और कथा का श्रवण या वाचन करने से सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा है, तो अगर आप माघ पूर्णिमा पर व्रत रखते हैं तो आपको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार कातिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उसके कहने अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दे दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवाया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उनका कुछ ना बिगाड़ सका। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने की प्राणी को सभी संकट से मुक्ति मिल जाती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माघ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि भी शास्त्रों में बताई गई है। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत सूर्यदेव को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा प्रारंभ करें। मोली रोली कुमकुम फल फूल पंचगत पान सुपारी दुर्बा आदि चीजें भगवान को अर्पित करें। अंत में आरती और प्रार्थना करें। इसके बाद दिन में यथाशक्ति दान दक्षिणा जरूर करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।